उत्तराखंड में रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे अब महंगा हो गया है। कॉर्बेट प्रशासन ने पार्क घूमने का शुल्क 3 गुना बढ़ा दिया है, जबकि रात में ठहरने के लिए पर्यटकों को अब 2 गुना ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद कॉर्बेट पार्क ने अपनी दरें बढ़ा दी हैं। बता दें कि कॉर्बेट में 14 साल बाद शुल्क बढ़ाए गए हैं। पिछली बार दरों में 2009 में बढ़ोतरी की गई थी, यानी 14 साल बाद कॉर्बेट पार्क में सफारी के लिए पर्यटकों को 3 गुना से अधिक शुल्क चुकाना होगा। अभी तक पार्क प्रशासन की तरफ से सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग पर 950 रुपए शुल्क देना पड़ता था, जो कि अब बढ़कर 3000 रुपए हो गए हैं। इसी तरह रात्रि विश्राम शुल्क में भी 1.5 से 2 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। अभी तक रात्रि विश्राम के लिए हर रात के लिए 5000 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लगाया जाता था, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद इसमें करीब 2 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। कॉर्बेट पार्क के डिप्टी डायरेक्टर दिग्नाथ नायक के मुताबिक 2009 से कॉर्बेट में बुकिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब से भ्रमण शुल्क नहीं बढ़ाया गया। सरकार ने शुल्क को बढ़ाने को लेकर कॉर्बेट प्रशासन को आदेश दिया है। सरकार के आदेश के बाद ही कॉर्बेट प्रशासन ने दरें बढ़ाई हैं। नायक के मुताबिक हर साल कॉर्बेट पार्क में देश विदेश से लाखों सैलानी कॉर्बेट पार्क के वनों और वन्य जीवों को देखने के लिए पहुंचते हैं। कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटक पार्क के अलग अलग जोनों में रात्रि विश्राम के साथ ही डे विजिट सफारी का भी लुत्फ उठाते हैं। ये 18 सितंबर को हमारा नया जियो आया है, तो उस जियो में हमारा सारे रेट्स बढ़े हैं। वन विश्राम भवन, पूरा स्टेट का वन विश्राम भवन का रेट्स बढ़े हैं। तो इसमें हमारा जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है, डेली जो हमारा विजिट होता है 4 घंटे का, तो उस विजिट में पहले लगभग 950 रुपीज़ लिया जाता था, तो अभी वो बढ़ के लगभग 3000 तक आ गया है। और नाइट स्टे का वो लगभग 1.5 गुना बढ़ा है, कहीं कहीं 2 गुना भी बढ़ा है, बट 1.5 गुना लगभग बढ़ा है।